अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट पाट हुए हैं। और आ गया मैं कॉल पबजी का बेहतरीन सा ओवन से, अभी अभी निकला है गर्मा गर्म गेम प्ले लेके सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो सबसे पहले तो मेरे एक कज़न को कोरोना वायरस पॉजिटिव आ गया है, तो प्लीज़ सब उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उसको शिफा दे दे और वो पहले जैसा हो जाए, सही हो जाए, मेरे साथ पबजी दोबारा से खेलना शुरू कर दे। दूसरी बात, हम जा रहे थे मिलिट्री बेस और ये हम मतलब तीन थे, थ्री वी स्क्वाड पे हम लोगों ने गेम लगाया था, बहुत सही गेम प्ले किया। बस आखिर में जो हुआ वो थोड़ा दर्दनाक था, मुझे उम्मीद है आप लोग सहन नहीं कर पाएंगे, पर था। लेकिन जो शुरू में हो ना वो आप लोग देख के खुश हो जाओगे, ऐसा था। ठीक है, हम लोग जा रहे थे मज़ार पे, इसको पता नहीं क्या कहते हैं लेकिन हम तो इसको मज़ार ही कहते हैं। हम मज़ार पे जा रहे थे तो हमें बिल्कुल नहीं पता था कि सामने चार बंदे मज़ार पे पहुँच चुके हैं, ये पहुँच चुके हैं जैसे कि ऐसे, तो हमें बिल्कुल नहीं पता था। तो मेरे दोनों टीममेट्स तो भागे फैक्ट्री के अंदर, मैंने बोला मैं तो अंदर ही जा रहा हूँ यार, क्योंकि हो सकता है कि मुझे गन मिल जाए उनको ना मिले। और वाकई ही मुझे VSS मिली और जैसी मुझे मिली तो ये लोग ऊपर भाग गए। फिर मुझे PP मिली और टॉमी मिली, द बेस्ट गन एवर, द बेस्टेस्ट गन एवर आई सीन इन माई लाइफ। उसके बाद हो जाता है भाई 1v4, क्योंकि वो लोग आ जाते रश करने और मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं होता, ये होता है फिर कुछ। भाई जान, प्रॉपर किल फील आ रही थी सर जी, प्रॉपर 97 बंद से लॉबी में 93 हो गए, चार किल मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉपर लाइन से किल फील आ रही थी। थ्रोन 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 थ्रोन, भाई मज़ा आ गया यहाँ तो यार, बस मैं पागल हो गया कि क्या हो गया, कैसे हो गया। उसके बाद हम लोग ऑफिस लूटते हैं और फिर हम आ जाते हैं सी बिल्डिंग की तरफ, तो यहाँ बंदा नीचे कूदता है और मुझे मारने के लिए, पर मैं इसको नॉक करके उसको फिर किल कंफर्म कर देता हूँ। और फिर ऊपर से एक बंदा आता है, पर टॉमी का ये मसला है कि अगर इसकी गोलियाँ लग जाए तो लग जाए, नहीं तो फिर ये होता है कुछ, मतलब क्या हो रहा है। उसके बाद मेरा एक मैं सीढ़ियों के बीच में आ जाता हूँ और मेरा एक टीम मेट ड्राइव देगा, एक ऊपर से कवर देगा, कवर बहुत अच्छा था, अभी आप देख रहे कैसे उनके एक नेड हुआ, तो उनके वो भी तीन ही जैसे आई थिंक उनके, ये ऐसे ऐसे कौन कर सकता है। दोबारा पीछे से देखो, ये बहुत मुश्किल से होता है, मतलब और मैं पागल हो गया था कि ये कैसे कर दिया, ये हो कैसे सकता है, ये मैं यार फुल घूम गया था मैं, ये क्या हुआ भाई, ऐसे कौन मार सकता है। तो इसके बाद हम लोग मिट्टी से निकले, फ्लेयर पे आ चुके थे हम, फ्लेयर अभी अभी बस नीचे जा ही रही थी साइड वाले ब्रिज के साइड वाले कंपाउंड पे, ये यहाँ पे तो ये फ्लेयर गाड़ी। और देन मैंने बोला भाई देख गाड़ी पीछे रुकते, फिर आहिस्ता से सामने जाएंगे, क्योंकि हमें लगा ये एक है, हम बहुत जोर से गलत थे यहाँ पे, सही सुना आपने, बहुत ज़ोर से गलत थे हम यहाँ पे, क्योंकि वो एक नहीं था, वो चार बंदे थे और उन्होंने बैंड बजा दिया हमारी, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। प्लीज़ जाके मुझे इंस्टा पे लाइक फॉलो करो, टिकटॉक पे फॉलो करो, और जिसके पास भी मेरा बेल आइकन का जो वो बेल का आइकन होता है वो नहीं आ रहा हो इसी बात, मतलब सब्सक्राइब कर दिया आपने लेकिन बेल के आइकन पे कैंसिल आ रहा होगा, तो मेरे चैनल को दोबारा अनसब्सक्राइब करो, मैं खुद बोल रहा हूँ। लेकिन फिर जब आप सब्सक्राइब करोगे तो वो ऑन हो जाएगा। हमने इनका एक बंदा मार दिया, हम चिल थे क्योंकि कोई और बंदा था ही नहीं, वरना हम फाइट लेते, हम लोग हो गए थे बिल्कुल चिल। तो हमने लूट वूट की, यहाँ से जोन अब आगे निकल चुका था, तो हम लोग चलो आगे चलते हैं, बस बहुत हो गया। यहाँ पे हमने थोड़ी सी मतलब मस्ती वगैरह की, बातें बातें भी बहुत सारी अपनी। और प्लीज़ दुआ करिएगा आप सब लोग प्लीज़ प्लीज़ दुआ करिएगा, मेरे कज़न को कोरोना हुआ है, अल्लाह उसको शिफा दे दे और वो हमारे साथ आ जाए पबजी में फिर से, बहुत बहुत बस दुआ कर लीजिएगा यार आप लोग। तो फ्लेयर गन थी मेरे पास लेकिन फ्लेयर का एमो नहीं था मेरे पास। और फिर यहाँ से मैं अपना लोड आउट सेट करके ऑम वॉम पे स्कोपिंग कर वर के सब चीज़ें, और फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं, मतलब हम निकलेंगे और गाड़ी वाड़ी सेट है, मतलब ये मैं आमतौर पे वीडियोस में कट कर देता हूँ ये सीन, चूँकि ये फालतू होता है। दिखाने का मेन मकसद ये है कि आप लोग देख पाओ कि हमसे क्या ऐसी गलती हुई जो हमारे साथ ये सीन हुआ, मतलब टोटल एक बार को ना मुझे एक्सपेक्ट था कि मैं ना एक्सपेक्टेड था कि बस
मैं क्राउन पे कभी जाऊंगा, जो कि मुझे नहीं है पर कभी था, पर मुझे ये बिल्कुल नहीं था जो अभी हो गया। यहाँ पे स्नेक लेटा हुआ है, चलो भाई एक ही सांप है ये, हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। हमने अपनी गाड़ी रोक, जैसे आमतौर पर मतलब होता है कि यार आपने किसको देखा कवर में जाए गाड़ी रोकोगे। एक बंदे को स्पॉट किया, बंदा किल हो गया, ठीक है अब हमें कुछ नहीं पता। पीछे से डीपी से ये बंदा नॉक हो गया, हमारा टीममेट, अब हमें लगा वो पीछे से होंगे, फिर मैं नॉक हुआ और फिर ऐसे ये नॉक हो गया। अब जो सबसे बुरी बात है ना, प्लीज़ लाइक कर दो यहाँ पे, कमेंट कर दो और शेयर वेयर कर देना हर चीज़ जो तुम्हें पता जो करना होता है, ठीक है। सबसे बुरी बात है जिस बंदे से हम मर रहे हैं ना, वो बंदा ये था जो तो आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन वो जिस तरह का था वो देख रहे हैं आप, मतलब ऐसे हो सकता है ना, हमें नहीं पता था। देखो 1.14 का ही ले चुका है, मतलब क्या कैंपर है साला। मिलेंगे आपसे कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, वीडियो छोटी लेकिन आगे वाली बहुत अच्छी होगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और ख्याल रखना अपना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।